फ्रेंड्स, मैं रचना आज आपका मैं लेकर आई हूँ हिस्ट्री क्लास 6 लेसन नंबर 7। देखिए, हमारी सिविक्स की बुक जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हम हिस्ट्री पर चल रहे हैं और हमारी रिवीजन भी साथ के साथ होती जा ही रही है। उसके अलावा आपके पास एक क्वेश्चंस की सीरीज भी मैं लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि हम एनसीईआरटी की बुक को बहुत बार पढ़ते हैं लेकिन हम जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम देने बैठते हैं तो उसमें हमें क्वेश्चंस मिलते नहीं हैं। हमें याद ही नहीं आता कि क्वेश्चन किस तरीके से था और हमने उसमें से क्या पढ़ा था, इसलिए हमें एक एक लाइन में से भी क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है। तो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो उसके लिए आपको एक पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। सिर्फ आपको सीरीज़ को देखना है और वो क्वेश्चंस आपको देखने हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट वन बौद्ध धर्म की, बुद्ध की कहानी। महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और जिनका नाम था सिद्धार्थ और जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और एक वो वाला समय था कि जब हमारा जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। हम अभी लास्ट चैप्टर से पढ़ चुके हैं कि जनपद बन चुके थे, महाजनपद बन चुके थे, कपड़े की खुदाई चल रही थी, किताबें मिल रही थी, हमारे काव्यों के बारे में पता चल रहा था, चित्रकलाएँ हो रही थी। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आरंभिक जीवन का विकास हो रहा था, जिसमें हमने हड़प्पा की कहानी के बारे में बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता की का भी सिविलाइजेशन के भी बारे में भी पूरा काम हो चुका था। तो अब हमारे जो धर्म के बारे में एक बात आई थी कि उस टाइम पे कि लोगों को एक पूजा अर्चना करनी थी, एक गॉड को पूजना था, तो वो किस तरीके से पूजते थे। तो ये जो टाइम था ये 2500 वर्ष पूर्व का था और इसमें जब धीरे धीरे गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था और परिवर्तन समझ में आ रहे थे, लोगों को जीवन के बारे में एक पता चल रहा था कि हमारी जीवन, अगर हम लोग आए हैं इस दुनिया में तो हम क्यों आए हैं उसके बारे में, मतलब लोगों को सत्य के ज्ञान की खोज के बारे में पता चल रहा था। तो उसी टाइम पे एक महात्मा बुद्ध थे जो क्षत्रिय थे और जिन्हें शाक्य नामक एक छोटे से गण से वो संबंधित माना जाता था। तो युवावस्था में वो ज्ञान की खोज के लिए घर के सभी सुखों को छोड़कर चले गए और उन्होंने अंत में ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने बोध गया में, यानी कि जो आज बिहार है उसे पहले बोध गया के, पीपल के पेड़ के नीचे बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने तपस्या की और अंत में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन गया है कि उनको सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे। उसके बाद वो महात्मा बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे। उसके बाद वो सारनाथ गए और वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया। तो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो यही क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। अब इनके हम लोग की तो एक बहुत शॉर्ट सी एक उनकी समरी हो गई, लेकिन हम कहते हैं कि उनका जन्म कहाँ से हुआ था, उनके कुल का नाम था, उनके जो पिता थे उनका नाम था सुशोधन, उनके घर में हुआ था, उनकी जो माता थी वो महामाया थी जो कौलीय वंश से थी और उनके जन्म के 7 दिन के बाद ही उनका निधन हो गया था। उनका जो पालन पोषण किया था उनकी माता की ही छोटी बहन थी गौतमी, उनने किया था। और सिद्धार्थ ने विवाह के बाद सिर्फ और सिर्फ पहले ही उनका पुत्र हुआ था राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को वो छोड़कर चले गए थे वन में। तो ये उनकी एक छोटी सी स्टोरी है। और उसके बाद जो उनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे हमने देख लीजिए कि 3 हमारे क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं, एक तो उनका जो उपदेश था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। उसके उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और उसके बाद उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त कहाँ किया था, तो वो उन्होंने ज्ञान प्राप्त जो किया था वो किया था बोध गया में, बोध गया। तो हमें कह सकते हैं कि उनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए आपके। उनकी माता का नाम था गौतमी, तो हमें कह सकते हैं कि उनका जो इस तरीके से जीवन चला था। उसके उनके उपदेश क्या क्या थे, उन्होंने जो उपदेश दिए थे वो उपदेश उनका ये था कि जो हमारा जीवन है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और जो हमारी जो इच्छाएं हैं वो ही हमें कम करनी पड़ेंगी। ये उनका जो मेन था ये शिक्षा में आता है। और जो उनका जो उपदेश था वो भी इसी तरीके से था कि जो हमारा जो ये जो हमारा जो दुख है ना, जो हमारे शरीर में दुख पैदा होता है, हमारे मन में जो दुख पैदा होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से ही होता है। उसके बाद जो उनकी मेन शिक्षाएं थी वो कौन सी हुआ करती थी, उनकी शिक्षाएं थी जो हमारा जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ लिप्सा की वजह से है। लिप्सा को मतलब कहा जाता है तृष्णा, जो हम इच्छा करते हैं ना बार बार, इच्छा
या हम कहते थे लालसा किसी चीज़ को पाने की, तो उन्होंने कहा था कि लालसा हमें किसी चीज़ से भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लालसा रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत गलत होता है और हम लोग सब डिमांड करते रहते हैं अपने जीवन में। दूसरा है कि हमेशा दयालु रहना चाहिए और साथ में हमें मतलब जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, बकरी है, तो हम उसको कुछ ना समझें। इवन चींटी की भी हत्या करना या उसको कष्ट पहुँचाना इस धर्म के अनुरूप नहीं माना गया था। तीसरा था, उन्होंने कहा था कि जो हम कर्म करते हैं उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं, चाहे तो इस जन्म में तो अगले जन्म में भुगतने पड़ेंगे, पर भुगतने पड़ेंगे ही, इसलिए हमें अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए। मतलब हमें जान पूछ कर ही नहीं, अनजाने में भी किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। उनकी जो शिक्षा थी वो प्राकृत भाषा में थी, प्राकृत यानी कि जिनकी कॉमन भाषा हुआ करती थी, जो सभी लोगों को समझ में आती थी, वो ऐसी भाषा में हमेशा अपने उपदेश दिया करते थे, तो इसी वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर भी थे क्योंकि लोग उनके उपदेशों को समझ पाते थे। उससे पहले जो हमारी शिक्षाएं मिलती थी, जो उपदेश मिला करते थे, वो लैंग्वेज वो हुआ करती थी कि जो आसानी से लोगों को समझ नहीं आती थी, संस्कृत में, अवधि में, पाली में, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी लोगों को कि वो दूसरी जगहों पर जाते तो समझ नहीं पाते थे। और प्राकृत भाषा का मतलब ही होता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की जो कॉमन भाषा होती है उसको प्राकृत बोला जाता है, तो उन्होंने उसी भाषा में उपदेश दिए थे। उसके बाद जो उनके गण या जो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने भी जो उपदेश देने शुरू किए तो वो भी उन्होंने प्राकृत भाषा में दिए, तो इसकी वजह से सभी लोगों को उपदेश समझ में आने लगे थे। तो हम कह सकते हैं कि बुद्ध के जो जीवन है उन्होंने सिर्फ यही चीज़ बोला था कि उस शिक्षा को स्वीकार मत करो जो वो दे रहे हैं, बल्कि उनका अपने मन से सोचो और देखो, अपने मतलब विवेक से काम लो कि जो आप कर रहे हो वो सही है या नहीं। आप किसी के घर में जाके चोरी कर रहे हैं तो क्या आप सच में आपका मन इस चीज़ को गवाही दे रहा है कि आप चोरी कर रहे हैं? तो उन्होंने ये चीज़ बोलते कि अपने विवेक से काम करो, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ और आप उसको मान लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये सोचो कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही है, और आपको लगता है सही है तो उस शिक्षा को मानो, अगर आपको लगता है तो मानो, अगर आपको नहीं लगता है तो फिर जैसा आपके कर्म है आपको भुगतने पड़ेंगे पड़ेंगे। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। आपको सेकेंड पार्ट इसको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा।